नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद स्वागत करता हूं आपका एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी दिन से ऊपर हो चुके हैं, पर अभी तक उन्हें कोई खास न्याय है जो नहीं मिला है। और उनके जो माता पिता है वो रोज़ इंटरव्यू देते हैं, रोज़ हवेली में जो सिद्धू के फैंस आते हैं या सिद्धू के माता पिता हवेली से बाहर जाके रोज़ स्पीच इंटरव्यू देते रहते हैं। लोगों से हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो, आप बस साथ रहें, पर अभी तक कोई जो न्याय की उम्मीद है वो नहीं दिख रही है। बाकी जो पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। अब देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को कब तक है न्याय मिलता है। तो दोस्तों, ये तो थी न्याय की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताया कि सिद्धू मूसेवाला का हर एक स्टाइल, हर एक गाना, उनका थापी मारना भी ट्रेंड बन चुका है। आजकल लोग शौक से ये काम करते हैं। जैसा कि सिद्धू मूसेवाला थापी मारा करते थे, वो बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका है। लोग उस थापी को कॉपी करके हर जगह पर जाके, यानी कि अगर किसी शख्स को कोई मेडल मिला है या कोई बड़ा इनाम मिला है तो वो वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के जैसे थापी मारेगा और लोग उस पर वीडियोस बना देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के जैसे लोग थापी मारते हैं या सिद्धू का बड़ा फैन है, जो भी है, मतलब वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने सिद्धू मूसेवाला के नाम की टी शर्ट देखी है, सूट देखे हैं, जो गले में चेन होती है वो देखी है, छल्ले देखे हैं, कड़े देखे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सिद्धू के नाम की आने लगी है और आती ही रहेगी। पर आपको बता दें कि आपने सिद्धू मूसेवाला के नाम की कोई गाड़ी नहीं देखी जो अमेरिका में चलाई जा रही है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के नाम की एक गाड़ी निकल चुकी है। आपने पंजाब या देश के किसी कोने पर जो सिद्धू का बहुत बड़ा फैन हो, उसके हाथ पर या बाहों पर सिद्धू का जो टैटू है वो देखा होगा, जिसमें सिद्धू की तस्वीर मिलेगी या सिद्धू मूसेवाला का ट्रैक्टर या उसके साथ आपने एक 295 लिखा हुआ देखा होगा। तो दोस्तों, वो 295 कोई सिद्धू मूसेवाला का खास नंबर नहीं है, वो नंबर ऑटोमेटिक ही खास बन गया। आपको बता दें कि सिद्धू के जन्म से लेकर मरने तक वो 295 है, जो बहुत मायने रखता है। और सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना भी निकाला था 295। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर लोग समझते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो भी बोलते थे वो सच हो गया, और सिद्धू मूसेवाला ने जो लिखा, जो गाया, उनका एक एक लफज और उन्होंने अपनी कलम में जो भी लिखा सिद्धू मूसेवाला ने, वो हर एक बात है जो आज सच हो गई। तो उसी को लेकर आपको बता दें कि अमेरिका में 295 लिखी हुई एक गाड़ी है जो चलती दिखाई दे रही है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के नाम की वो गाड़ी है जो चलाई गई है, क्योंकि 295 का एक ट्रेंड बन चुका है जो अब अमेरिका में भी दिख रहा है। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि जो सिद्धू मूसेवाला के नाम की एक गाड़ी चल रही है, अब आपको पता लग गया होगा कि सिद्धू मूसेवाला केवल भारत में ही नहीं, हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश के हर कोने में सिद्धू का जो नाम हो रहा है, उनकी पहचान है जो छलक रही है। तो दोस्तों, अगर आप सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो कॉमेंट में RIP जरूर लिख दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, जय हिंद।